જમ્મુ કાશ્મીરથી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જઈશું તે તરફ. आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था. 8 से 9 युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई. मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है. कितना भारी बदलाव हुआ है. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता. कोई कितने भी ताकत अजमा ले, ये बदलाव के बयान को अब कोई रोक नहीं सकता. ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो, और इसलिए जरूरी है इस प्रकार के कार्यक्रम. मैं तो भाई मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं. ये कंसेप्ट, ये कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम मनोज जी ने चालू करे, मगर इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई कार्यक्रम है तो ये यूथ क्लब का उनका एक प्रयोग है. हमारी कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र. अगर ये 70% आबादी के मन में आशा जगा दी जाए, 70% आबादी का हौसला बढ़ा दिया जाए, 70% आबादी को विकास के कामों के साथ जोड़ लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट की चिंता हो, उनकी रोजगारी की चिंता हो, और उनको अगर कश्मीर की शांति का और कश्मीर के विकास का राजदूत बनाया जाए, तो कश्मीर की शांति में कोई कभी भी खलल नहीं पहुंचा सकता. और मैं मानता हूं इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है. लगभग पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं. उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब है. आप कल्पना कर सकते हैं 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई न कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई न कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें. उनकी शिक्षा की चिंता हो रही, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो रही है, और कश्मीर के विकास के साथ हम उसको जोड़ते हैं. मित्रों, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है. इससे आजीविका का सृजन भी होता है, इससे शिक्षा और कौशल विकास ये भी आगे बढ़ता है, आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान भी. हमारी बहन बैठी है कोर्ट ने बताया, मुझे बहुत सहायता मिली यहां पर, तो आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता भी मिली. परामर्श, एक गाइडेंस भी मिलता है, और इसके साथ साथ हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी गई. सबसे महत्वपूर्ण चीज युवाओं को खेल के साथ जोड़ना है. खेल ऐसी चीज है जो हर युवा ने अपने आप को खेल के साथ जोड़ना चाहिए. खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही हमें जीतने का जज्बा आगे ले जाता है. आज हार गया हूं, कल मैं जीत कर आऊंगा. ये युवा का जो स्वभाव बनना चाहिए वो स्वभाव बनता है, और इससे पर्यटन और मनोरंजन के साथ भी युवा जुड़ा है. जम्मू कश्मीर सरकार ने मोदी जी के गाइडेंस के अंदर एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक पंचायत में एक यूथ क्लब बने और हर शहरी वार्ड के अंदर एक यूथ क्लब बने. प्रत्येक युवा क्लब को लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है. 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए हैं. यूटी वाइड
पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, ये सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही। कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, में आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। का रिव्यू करते हैं तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली तो मोदी जी ने कहा कश्मीर ने बहुत घाव सहे हैं, देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी और आज 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के सामने नजर है। अगर लक्ष्य रखते हैं हम तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट, तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई, दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सह अस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको इस जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सहाय है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं भारत को देने वाला प्रदेश बने, इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, मित्रों आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृहमंत्री के नाते खड़ा, मोदी जी ने मुझे भारत के गृहमंत्री की जिम्मेदारी दी, मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी करियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थी, मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृहमंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साथ चलते हुए बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया
87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में 7 अंत में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली। मुझे बताओ बोला गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा, 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी, नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुड़ना चाहिए और ढेर सारे जो लोकतंत्र के फायदे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं लगभग कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचा है, किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोतल के लिए। यहां बैठे हैं जिनको सब्सिडी मिली है, वजीफे मिले हैं, जिनको लोन मिला है, जो खेलों के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप में मेरिट है, आपके पास मार्क है, आपके पास कौवत है, आपके पास कौशल है तो अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत। आज विधवा सहाय का हफ्ता, विधवा सहाय सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में पहुंचते, उसको धक्का खाने की जरूरत नहीं। किसी वृद्ध का पेंशन सीधा इसके घर में पहुंच जाता है, बच्चों का वजीफा इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है, किसी को धक्का खाने की जरूरत, कोई आपसे 5 पैसा भी नहीं मांग सकता। सा मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया साल का बेचते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को भी बेचते हैं, वहां से एक बटन दबाते हैं 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूछना चाहता हूं इस प्रकार की व्यवस्था क्या अभी हमने कभी सोची थी? 5 अगस्त 2019 के पहले संभव था क्या? ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का खात्मा जम्मू कश्मीर के विकास की नींव है मेरी बात। इस राज्य को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह इसकी जड़ें खोखली कर दी, हम उसमें से बाहर लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं आप लोगों को बड़े दुख और दर्द के साथ एक बात बता, आजादी के बाद परहेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मू कश्मीर में
मैं कहा गरीबी गई क्या, बेरोजगारी गई क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बढ़ने लगा, गरीबी जाने का अब जरिया हुआ, रोजगारी अब मिलने हुई, पढ़ाई लिखाई के लिए यहां से पाकिस्तान जाते थे। मनोज जी कितनी मेडिकल कॉलेज बना दी? 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 11 नर्सों की कॉलेजें बनाई। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, यहां के गरीब माँ बाप के तेजस्वी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अब जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कई साल पहले यहां शुरू होना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के मैं पुराने 90 के तो आंकड़े लाने भूलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर, सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भी ना, सरकार तो प्रयास कर सकती है दहशतगर्दी को निकालने का काम। मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है, ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाकिस्तान कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है, और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत। मैं सभी युवा साथियों को अपील करने आया हूं, यहां पर मोदी जी ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 25,000 सरकारी नौकरी ये 2 साल के अल्पकाल के अंदर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार के बगैर दी। 7,000 नियुक्ति पत्र कल ही देने जा रहे। खादी द्वारा मधुमक्खी हो या इलेक्ट्रॉनिक चाक हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि जो कम पढ़े लिखे युवा है उनको खादी ग्राम विकास बोर्ड के साथ जोड़िए। एक मधुमक्खी का डिब्बा लाकर घर पे रख देंगे, 2-3 हजार रुपया कमा लेगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने का इलेक्ट्रिक चाक लेकर आएगा, वो 5,000 रुपया कमा लेगा। उनको जोड़िए आप खादी विकास बोर्ड के साथ, उनको लगभग 4 लाख लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत हुई। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी मनोज जी ने कहा कि एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आई है भारत सरकार, औद्योगिक नीति लेकर आई, और मोदी जी ने मन खोल कर कश्मीरी युवाओं के लिए इसमें मदद भेजी है। पूरे देश भर में इतनी ल्यूक्रेटिव, आकर्षक औद्योगिक नीति किसी भी राज्य की नहीं, और इसी का कारण है कि एक बार तो आजादी से अब तक 15,000 से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक औद्योगिक नीति को आए अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर राज्य में आ चुका है।
घाटी में 5000 और 7000 जमीन, 12000 करोड़ का, एक और 70 साल का और एक और 6 महीने का। मुझे पूरा भरोसा है कि देखते देखते हम 2022 के पहले 50000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाएंगे। फिर भैया तेरी जो टेम्पो है, 3 टेम्पो भी ले लोगे तो सारे हफ्ते तेरे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है, उद्योग आता है तो उसके साथ रोजगारी आती है, इन्वेस्टमेंट आता है इसके साथ टैक्स आता है, टैक्स आता है तो राज्य सरकार विकास करती है, गांव का विकास करती है, शहर का विकास करती है, रोड बनाती है, रास्ते बनाती है, बिजली पहुंचाती है, कृषि के अंदर हमारे खेतीबाड़ी करने वाले भाइयों की मदद करती है, सेब की नई नई नस्लें आएगी, उसके बिकने की व्यवस्थाएं होगी, केसर को अब जीटेक टैग करने के बाद केसर के दाम कितने बढ़ गए। परंतु ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, वो इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत भी हो गई है, 9 मेडिकल कॉलेज और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना है जिसमें से 7 का काम शुरू हो चुका है। 70 साल तक हम पर जो आरोप लगाते हैं ये 3 परिवार वाले, मैं उनको हिसाब किताब पूछने आया। 70 साल तक मेडिकल की 1947 से 2014 तक 500 सीट थी। जरा हॉल वाले एक साथ बोले कितनी सीटें थी भाई, जोर से बोलो जरा कितनी। आज 1150 MBBS की सीटें 500 की जगह हो चुकी है और 1100 होने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 2000 बच्चे एक साल के डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे, 14 डेंटल की सीटें निकलवाएं पीजी की और 600 पैरामेडिकल सीटें निकलेंगी। इसके साथ IIT आपके लिए यहां है, किसी को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, NIT यहां आ चुका है, IIM यहां आ चुका है, NIFT यहां आ चुका है, IIMC यहां आ चुका है, कैंसर इंस्टीट्यूट यहां आ चुके हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुके हैं। मुझे बताइए 70 साल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको विकास नहीं करना था, भावनाओं को भटकाकर सियासत कर अपना राजनीतिक खेल खेलना था, अपने परिवार के अंदर सत्ता को बांध कर रखना था। जमहूरियत इसके लिए नहीं होती, जमहूरियत इसके लिए होती है कि देश का पैसा अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, विकास अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं। मित्रों ढेर सारी चीजें हैं कहने के लिए, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उस सब का